सोबा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुभाष कुमार प्रसाद से चुनावी मुद्दे पर हुई चर्चा। बताते चलें कि जब हमारे R9 भारत नेशनल न्यूज बक्सर के ब्यूरो राकेश पांडे ने मुखिया प्रतिनिधि सुभाष कुमार प्रसाद से उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 2016 से लेकर 2018 तक तो वार्ड और मुखिया के संग लड़ाई ही चल रहा था और विगत 3 सालों में मैंने 75% काम किया हूँ और सोबा पंचायत की जनता हमें इस बार अपना आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले सामुदायिक भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन और सोबा पंचायत के 16 वार्ड में सबसे पहले यही मेरी प्राथमिकता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत नेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज से मैं राकेश कुमार पांडे। अभी हम आए हुए हैं सोबा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुभाष कुमार प्रसाद जी के पास और आइए जानते हैं चुनावी मुद्दों के बारे में इनसे मिलकर। R9 भारत में सुभाष प्रसाद जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और 5 साल बीत गए हैं जी, और 5 साल में आपके पंचायत में जिस तरह आपने पंचायत को सजाया है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया नेशनल न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं R9 भारत नेशनल चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बक्सर से चलकर ग्राम पंचायत सुवा में पंचायत का विकास की जानकारी, क्या स्थिति पंचायत का है, सवाल है पंचायत में विकास का, तो हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में जहाँ ऑब्जेक्शन है, जहाँ विरोध है, वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। बाकी 16 वार्ड में नली गली का कार्य हुआ है। अभी जो 5 साल में आपने जैसे पंचायत को अपने 16 प्रखंड को सजाया, 16 पंचायत गांवों को सजाया है, और मुखिया जी अभी तक आपके 5 साल के कार्यकाल में राशन किराशन का काम कितना हुआ है? हमारे पंचायत में सबसे पहले 75% जो है राशन का कार्य हम लाभुक को कराए हैं। नली गली इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, नली गली जहाँ विरोध था, निजी जमीन था, वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। बाकी हर वार्ड में कार्य हुआ है और इस कार्य से जो है हमारी पंचायत संतुष्ट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य हुआ है संतोषजनक है। कोरोना जैसी महामारी में, इस महामारी के दौरान R9 भारत के लिए राकेश पांडे की रिपोर्ट बक्सर से।